अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद खालिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटर नवीद। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने OKX के अकाउंट को जावा अकाउंट के साथ लिंक कैसे कर सकते हो। लिंक क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आपने जावा से पैसे निकालने होते हैं तो आपको किसी एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, बायनाम्स या फिर OKX, और उसी अकाउंट को आपने जावा अकाउंट के साथ लिंक करना होता है तो ही आप विड्रॉ ले पाते हो। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने ओपन करना है अपने OKX के अकाउंट को। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे OKX का अकाउंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने क्लिक करना है जी असिस्ट के ऊपर, नीचे देख सकते हैं असिस्ट। इसके बाद आपने क्लिक करना है डिपॉजिट के ऊपर, ठीक है जी। जैसे आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है ऑन चैन डिपॉजिट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है USDT, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है USDT TRC 20, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये जो आपको एड्रेस नज़र आ रहा है ना, ये वाले नंबर नज़र आ रहे हैं और साथ ही कॉपी लिखा हुआ है, तो आपने इनको कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। ये कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद ये आपने आना है अपने जावा आई अकाउंट के अंदर। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो जावा आई का अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। ओपन करने के बाद जी, इसके बाद आपने क्लिक करना है माई के ऊपर, यानी कि जहाँ पर आपकी प्रोफाइल है। तो मैं जी अपने माई के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ये वाला इंटरफेस आपको नजर आता है। अब यहाँ पर ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि विड्रॉ पासवर्ड। जब भी मैं अपनी USDT को यहाँ से विड्रॉ करूंगा रकम, तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा 6 हिंसों का। तो मैं जी अपना पासवर्ड सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, मैंने अपने 6 6 हिंसों का पासवर्ड दिया है। एक बार दिया, दोबारा भी आपसे मांगेगा। करने के बाद ये आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो पासवर्ड है वो तो लग चुका है, ठीक है जी। अब आपने क्लिक करना है वैलेट टाइप के ऊपर, यानी कि जो आपने रकम यहाँ से लेकर जानी है वो किस USDT के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने जी क्लिक करना है USDT TRC 20, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ऊपर आप देख सकते हैं USDT TRC 20 सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने अपनी वॉलेट आईडी, जो हमने वहां से एड्रेस कॉपी किया था, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है जी। इसको पेस्ट किया, अच्छा यहाँ पर जो हमारा फंडिंग पासवर्ड था जो मैंने पहले दिया है, दोबारा मांग रहा है, तो मैं फिर से इसको दे देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने दे दिया। करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है जी। जैसे आप इसको ओके करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट था, मेरा OKX का अकाउंट था, वो यहाँ पर लिंक हो चुका है, ठीक है जी। अब जब विड्रॉ करेंगे, यानी कि चेक कैसे करना है कि लिंक हुआ भी है या नहीं हुआ, तो यहाँ पर जी आप क्लिक करेंगे विड्रॉ नाउ के ऊपर, ठीक है जी। जैसे आप विड्रॉ नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑफिशियल विड्रॉ के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वॉलेट एड्रेस भी लगा हुआ है, वॉलेट टाइप भी लगा हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी अमाउंट लिखूंगा, फंडिंग पासवर्ड जो मैंने आपके सामने लगाया है वो जैसे लगाऊंगा, तो मेरी जो रकम है वो विड्रॉ हो जाएगी, यानी कि उसी अकाउंट के अंदर चली जाएगी जो मैंने लिंक किया है। तो फ्रेंड इस तरीके से OKX का अकाउंट जावा आई के साथ लिंक किया जाता है। तो मैंने आपके सामने किया है, तो आपका भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि विड्रॉ किया कैसे जाता है, रकम कैसे विड्रॉ की जाती है अपने जावा आई अकाउंट से OKX के अंदर कैसे जाती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लेता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो जी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।